अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी कल की वीडियो से रिलेटेड बहुत से लोगों के सवाल थे कि हमारे पास तो टूल ही नहीं है अमेज़न यूएई मार्केट में रिसर्च करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो जब हम एनालाइज ही नहीं कर सकेंगे प्रोडक्ट्स को, तो हम प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे? येस, आई अंडरस्टैंड, दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं फ़ौरन ही एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि आप प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह काम कर सकते हैं यूएई में। देखें, यूएई मार्केट क्योंकि बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस जो मेच्योर हो चुकी हैं। ये मार्केट प्लेस अभी एज सच मेच्योर नहीं हुई है, तो इसमें बहुत से लूप होल्स कह सकते हैं आप, या अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें से एक होलसेल एफबीए की अपॉर्चुनिटी है। अब होलसेल एफबीए की अपॉर्चुनिटी क्या है कि देखें, अगर आप यूएई में बेस्ड हैं या आपका कोई जानने वाला यूएई में रहता है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज में लॉट्स होती हैं, जो लॉट्स आप परचेज कर सकते हैं, जो बहुत थोड़ी कीमत में होती हैं, ब्रांड्स की लॉट्स। ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप जाके देखते हैं कि किस ब्रांड की लॉट पड़ी हुई है एक प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल, एक हेयर ड्रायर है, उस हेयर ड्रायर की लॉट पड़ी हुई है, और वो अमेज़ॉन पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि वो हेयर ड्रायर, वो ब्रांड कितने का बिक रहा है। ठीक है, वो हेयर ड्रायर का ब्रांड आप टाइप करेंगे या उसका नाम लिखेंगे, उसकी प्राइस आ जाएगी। जैसे ही आप उसकी प्राइस देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो लॉट जो आपको मिल रही है, वो एफबीए फीसिस डाल के कितने की आपको पड़ रही है, यूजिंग एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएई में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो, तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, मैं इसमें आपको लिंक दे दूंगा, और आप उसको यूज़ करके ये देख सकते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 100 दिरहम्स का बिक रहा है यूएई अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है, और आप उस प्रोडक्ट को, आपको सोर्स हो रहा है वो फॉर एग्जाम्पल 30 दिरहम्स का, तो अमेज़ॉन फीसिस डाल के फॉर एग्जाम्पल वो आपको पड़ता है 70 दिरहम्स का, तो आपको 25 to 30 दिरहम्स उसमें प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि अभी अमेज़ॉन नया है वहाँ पे, तो इसलिए ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे अभी एक्टिव नहीं है। सो यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इवन आई एम डूइंग इट। ठीक है, तो आई वांटेड टू शेयर विद ऑल कि मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि एज आई एम अर्निंग, सो यू मस्ट बी एबल टू अर्न एज वेल। तो ये बहुत अमेजिंग मॉडल है कि आप वहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की लॉट्स को सर्च करते हैं। जैसे ही आपको कोई लॉट मिलती है, तो ज़रूरी नहीं आप पूरी लॉट उठा लें, आप उसमें से पहले 100 पीसेज लेके एफबीए कराएं, और ये ज़रूरी है कि आपने उसको एफबीए कराना है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ जितने भी लोग ब्रांड बेच रहे हैं अमेज़ॉन यूएई में इस टाइम, तो वो एफबीएम कर रहे हैं, वो घर से शिप कर रहे हैं, वो अपने वेयर हाउस से शिप कर रहे हैं, वो एफबीए नहीं कर रहे। और याद रखिएगा कि जब आप किसी भी लिस्टिंग में एक से ज़्यादा सेलर होता है, तो जो उसमें एफबीए होते हैं, अमेज़ॉन का एल्गोरिथम हमेशा उनको प्रायोरिटी देता है। तो आपने एफबीए कराने हैं, चाहे 10 यूनिट चाहे 20 यूनिट, आप 20 से 25 यूनिट एफबीए करा के पहले ट्राई कर लें, अगर वो बिकते हैं तो आप और लॉट लेके बड़े वॉल्यूम में लेके आप भिजवा दें। एक तो ये मॉडल है। दूसरा मॉडल ये है कि आप पाकिस्तान से या चाइना से कोई भी 2-3 प्रोडक्ट्स जो आप देखें अमेजोन यूएई पे जाके होम यूज़ आप लिख सकते हैं अमेजोन के सर्च बार पे, और भी बहुत से कीवर्ड्स हैं जो आप लिख सकते हैं, आप वो लिख के देखें। जिस प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ आ रहे हों 10 से ज़्यादा रिव्यूज़ हों जिस प्रोडक्ट के ऊपर, और उसकी रेटिंग 4 से कम ना हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिव्यूज़ 10 से ज़्यादा और 4 से कम उसकी रेटिंग ना हो, ये 2 क्राइटेरियाज आपने जहन में रखने हैं बस। उस प्रोडक्ट को आप अपने ब्रांड के अंडर, अपनी ब्रांडिंग के साथ थोड़ी क्वान्टिटी में, लाइक 50 यूनिट्स और 100 यूनिट्स आप एफ बी ए करा लें, और पी एल में भी आप इस मॉडल में भी जा सकते हैं, मैं ये भी कर रहा हूँ। और इसमें भी मैंने 3 प्रोडक्ट ट्रिगर किए, जिसमें से एक अल्हम्दुलिल्लाह चला और 2 नहीं चले, तो कोई मसला नहीं, मैंने थोड़ी क्वांटिटी भेजी थी, आज नहीं कल नहीं 2 महीने में वो बिक जाएगी थोड़ी क्वांटिटी डेफिनेटली, या मैं पीपीसी। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, यूएई के अंदर किसी को भी पीपीसी का नहीं पता, नो वन इज यूजिंग पीपीसी ओवर देयर। सो प्लीज एंगेज इन यूएई, ट्राई टू सेल इन यूएई, स्टार्ट सेलिंग इन यूएई एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम देयर। ठीक है, लोग बड़े मार्केट प्लेसेस में जाके बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके मोस्ट ऑफ द टाइम नाकाम होके परेशान हो जाते हैं कि हमें तो मशवरा ही गलत दिया था। बेसिकली आप एक हाई ट्रैफिक एरिया में चले गए और आपने अभी गाड़ी चलानी सीखी थी। तो मैं ये कहता हूँ नए सेलर के लिए तो आइडियल अपॉर्चुनिटी है यूएई की, जहाँ पे बिल्कुल रोड खाली है और आपको सिर्फ पहले बैलेंस करना सीखना है गाड़ी को, और उसके बाद फिर आपको हाई स्पीड पर जाना है, और उसके बाद आप जब हाई ट्रैफिक एरियाज में भी जाएंगे तो आप ईजिली मैनेज कर लेंगे।
आई होप इस वीडियो ने आप लोगों को हेल्प किया होगा. कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट इंशाल्लाह टू आंसर ऑल दोस. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.